भाई एसी चालू रहने मेरा भाई, नहीं तो जरा इंटरव्यू भाई काबिज घूम और आवाज बहुत अच्छा है बेटा, छोड़ना है बहुत अच्छा है। तूफानों में भी दिए हुए बेटा, सच बोलता कौन है भाई, बाकी सब तो झूठ बोलते हैं, तो चलते नहीं है न्यूज़। आदमी को पता है इतने कुछ ना कुछ तो बोला होगा। मैं भी एक न्यूज़ चैनल खोल दूँ। सही है, एक नंबर न्यूज़। आदिल पूछो। अरे रोल है नहीं है हाँ। गाइस रोलिंग रोलिंग। रोल रोल। रिपोर्टर रोलिंग। ओके क्या कुछ कहना चाहेंगे अजय? सिंगिंग डेब्यू है, गाने को लेकर कैसे विचार आया कि यू नो आई शुड स्टार्ट सिंगिंग? मैंने एक्चुअली विचार तो नहीं आया, हमने ये गाने को ऐसे ही गुनगुना रहे थे तो ये इसने कहा कि भाई गाना तो बहुत अच्छा है और तरीका भी बहुत अच्छा है, कर दो, ये गाना बहुत फ़ायदा देगा। हमने कहा हमको या तुम दोनों को? पर हमने कहा गा देते हैं, अब गाना अच्छा है, देखते हैं। वैसे भी आजकल तो मशीन गाता है, लोग तो कहाँ गा रहे हैं, हम भी गा लेंगे। आपको क्या लगता है अजाज की जिस तरह से बाकी सिंगर्स को मतलब लोग सपोर्ट करते हैं, उनके गानों को पसंद करते हैं, आपके गानों को लोग किस तरह से लेंगे? यार मेरी हर बात को मेरे चाहने वाले बहुत अच्छी तरह से लेते हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ये इज्जत ये प्यार बख्शा है। और मुझे पता है कि मेरे 40 मिलियन 50 मिलियन तो फॉलोवर नहीं है, लेकिन 3 मिलियन 50 मिलियन को काफ़ी पड़ते हैं। तो ऐसे 3 मिलियन हो जो 50 की बजा दे, क्या फ़ायदा 50 मिलियन हो और 3 की ना कर सके कुछ। तो मेरे चाहने वाले मेरी तरह ही एकदम पागल। गाना गाने से पहले आपने इसका कुछ रियाज या कुछ प्रैक्टिस वगैरह की थी? अरे मैं कोई सोनू निगम हो गया भाई यार, कोई प्रैक्टिस नहीं है। गाने को ऐसा चाहिए ही नहीं कुछ, इसको रियाज नहीं इसको एजाज चाहिए। नहीं मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं ये बादशाह और हनी सिंह गाते तो मैंने बोला मैं भी गा लेता हूँ। मतलब बात नुसरत साहब की हो, रफी साहब की हो तो अलग बात है, सिंगर वो है भाई, किशोर कुमार, मुकेश जी, अरिजीत को थोड़ा थोड़ा मतलब वैसा तो नहीं, वो भी क्योंकि तब मशीन नहीं थे, तब तो भाई हर आर्टिस्ट लाइव बजाता था बेचारा, हर आर्टिस्ट अपनी कलाकारी दिखाता था, पियानो भी लाइव बजते थे, सारे म्यूजिशियन एक सिंक में बजाते थे। अभी तो क्या है सर, एक लाइन गा दो बाजना नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे, वो हो जाता है सब। तो इंसानों का काम मशीन करने लगा है, इसीलिए फीलिंग्स मर गई है। नहीं तो पहले रफ़ी साहब जब गाते थे तो उनकी आवाज़ हमारी रूह के अंदर जाती थी, अरिजीत की कान में से ही बाहर चली जाती है। जिस तरह से कलाकार हो एक समाज सेवक हो, तो आपके इस बार में जो आपने एक नया चीज बनाई है कि मैं सिंगर बनूंगा, तो इसमें आप कितना कामयाब होंगे? भाई मैं सिंगर बनने नहीं आया हूँ, मेरा एक आदत है भाई, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया मैं सबको सपोर्ट करूंगा। ये एक नया म्यूजिक डायरेक्टर उभरता हुआ है, बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, एक नया डायरेक्टर है, ये दोनों मुझे मानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। इन्होंने कहा भाई म्यूजिक वीडियो आप करो, हमने कहा चलो अगर हमारे करने से तुम लोगों का कोई फायदा होता है तो हम खड़े रहेंगे, हम सलमान भाई थोड़ी है। ये एक्चुअली ये गाना तो भाई के स्टाइल का ही है, इसके एक्सप्रेशन सॉन्ग, ये सिंगर वाला सॉन्ग नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें एनर्जेटिक है, एक्शन, इनकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं ये गाना बाहर लाता है, और लिरिकली भी भाई ने लिखा है बहुत ही बेहतरीन है। एक कन्वेंस कर लिया आपने गाना गाया, क्या अभी आप दर्शकों को गा के सुना सकते हो आपने कौन सा गाना गाया? वैसे ये दर्शक बहुत बार सुन चुके हैं, मैंने वो एक वेडिंग में गया था वहाँ गाया था ये गाना मैंने। अब म्यूजिक के साथ सुनोगे तो ज्यादा बेहतर है ना। दाऊद इब्राहिम के जो नेफ्यू है वो मेरे फैन है, वो मुझसे प्यार करते हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि मेरी शादी में कोई आए ना आए
एजाज भाई आपको जरूर आना है। हमने कहा ठीक है भाई, तुम थोड़ी ना दाऊद इब्राहिम हो, हम तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। तो हम गए उनकी शादी में और हमने गाना वहाँ गा दिया, तो सारे ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा था ये गाना, एबीपी से लेके सारे बीपी। तो हमने वहाँ ये गाना गा दिया और ये गाना मतलब हमने गाया भी ऐसी जगह पे कि वहाँ पे सारे डॉन लोग, सारे भाई लोग बैठे थे, सब तालियां बजा रहे। हमने कहा भाई ये गाने में कुछ तो बात है, ये लोग पागल हो गए। उसके लिए भी लोग हमें कहते हैं कि तुम एक टेररिस्ट, एक माफिया उनकी शादी में गए। हमने कहा भाई हम दाऊद इब्राहिम की शादी में थोड़ी गए थे भाई। देखो हम हिंदुस्तान में इस तरह से जज करते ना लोगों को यार, वो थोड़ी ना, वो तो एक बिजनेसमैन है, उसके मामा ने कुछ किया है, उसमें उसका क्या लेना देना है। और वो हमारा फैन है, अगर दाऊद भाई हमारे फैन होते तो हम उनसे भी मिल लेते हैं। ऐसा थोड़ी है, अगर हमें कोई प्यार करेगा हम उसे प्यार देंगे, चाहे वो कोई भी हो, फैन तो फैन होता है यार। गाने के बोल और हम बता देते हैं। कॉलर पकड़ झटका दे, कान के नीचे फटका दे, और ले को पूछे में अटका दे, दो चार को तू टपका दे, फिर कोई तुझसे पंगा ना लेगा, जिससे डरे तू वो तुझसे डरेगा, मच मच क्यों करता है जितना समझता है, दुनिया नहीं इतनी भोली दे गोली, ढिचाओ ढिचाओ ढिचाओ। क्या बोलता है, मिका से तो अच्छा गाता हूँ ना। जिसमें हम इनके साथ जुड़े, बहुत अच्छा गाना है ये। और हमारे बहुत ही अरफात भाई हमारे बहुत प्यारे, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे गाने लिखे हुए हैं, अभी उनको अवार्ड भी मिला है, जिनका एक सबसे अच्छा गाना हमें वो लगता है मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला के लेके गलत में पता निकला। मैंने कहा एकदम सही बात कही है तुमने भाई। तो वो गाना हम लोग कर रहे थे, उसमें बीच में हम ये तो इन्होंने कहा भाई इसमें जब तक हरजीत जी डेट देते हैं मिल ही नहीं रहे, आजकल डायरेक्टर बन गए, अल्लाह तुम्हारा भला करे अरिजीत, कहाँ हो तुम, इतना अच्छा गाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं हमने कहा हम उनके घर से जाके उठा लाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भाई ऐसे मत करो, कभी हमारे गाने नहीं गाएंगे वो, तो तुम बुला लेना, तुम गवा लेना। लेकिन इनकी कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि भाई करो, हमने कहा ठीक है हम कर देंगे, और आज यहाँ बैठे आपके सामने। हम सिंगर नहीं है, हम कोई सोनू निगम नहीं है, हम एजाज है और हम गाएंगे जितना हमसे गा सके हम, और ये उस तरीके से गाएंगे जिस तरीके से हम गाते हैं। ये बना भी इनकी स्टाइल से ही है। जैसे कि इनका स्टाइल है, तो आपने डायरेक्शन के लिए कितना मेहनत किया है इस गाने के लिए, कि किस तरह से इनको डायरेक्शन के लिए लेना है, क्योंकि इनका फोर्टे भी उसी तरह से है तरह कि वो गाने में ढल जाएंगे, तो आपका कितना मेहनत? पहले तो एक्टर ये, बाद में पहले तो अपने भाई हैं, तो हम लोग ऑलरेडी है तुझे सलाम इंडिया मैं इनके साथ कर रहा था, तो उसी टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों का कन्वर्सेशन होता था, तो इस टाइम पे इन्होंने लाइव किया था कुछ दिन पहले, तो मैंने बोला ये गाना अपन करते हैं वीडियो बनाते हैं, तो इससे मैंने म्यूज़िक के लिए बात किया, क्योंकि इससे पहले मेरा गाना एक सेटिंग चल रहा था इसके साथ, तो मैंने ये गाने को प्रोग्राम किया, फिर सारी चीज़ें हम लोग अरेंज किया, एंड देन आज फाइनली रिकॉर्डिंग भी करेंगे और शूट भी करेंगे। ये आदमी से बचो, वैसे आने वाले फ्यूचर का बहुत अच्छा डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर है ये, नए लोगों को भी सुनो रे मेरे भाई, तुम्हारे कान नहीं पक जाते क्या, सर नहीं दर्द होता है तुमको, 25-25 साल से एक ही हीरो देख रहे हो तुम यार, हमारे मम्मी डैडी भी एक हीरो देखते हैं, हम भी वही देख रहे हैं भाई, सबको मौका दो। इसीलिए हिंदुस्तान यंगिस्तान होने के बाद भी नौकरी सबसे कम यहाँ पे है, जिसकी जो काबिलियत है उसको वो काम नहीं मिलता है। अबे हमको नहीं मिला, तुम लोग को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगत सिंह ने उस लिए जान नहीं दी थी कि हम लोग यहाँ पे चुपचाप बैठे रहे और जो कुछ बोले उसको बोले, कॉन्ट्रोवर्सी किंग है ये पब्लिसिटी। अभी हम सच बोलते हैं और बोलते रहेंगे, कम से कम हमारा जनाजा भारी नहीं होगा। तुम तो साले बच्चों को क्या सिखा रहे हो कि सच बोलो,
हाँ बोलेंगे तुम्हारे बच्चे तुमसे सच। छोड़ो यार थैंक यू आओ वन ऑन वन। अच्छा हुआ जुबैर के बारे में किसी ने नहीं पूछा, हमें गुस्सा आ जाता। नहीं हाँ वन एंड वन में हम बोलेंगे ही नहीं, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, सिर्फ गाने की बात करेंगे। हम इनसे सीख गए, ये जो मीडिया वालों ने हमें सिखा दिया इनको इस्तेमाल कैसे करते, ये हमें पहले करते थे अब हम इन्हें करेंगे। वैसे इनका काम तो हमारे लाइव से भी हो जाता है, हम लाइव करते हैं वहां से, लोग के सबके पोर्टल चल रहे हैं जहां देखो हमने कहा ये तो हमने किया था, इतने सारे पोर्टल, तुम कुछ राइट्स निकालो यार। नहीं तो हम क्लेम कर देंगे अभी। हाँ भाई सब यहीं से पूछ लो वन एंड वन क्या, एक एक सवाल जिसका है वो पूछ लो, उस कैमरे में रिकॉर्ड कर लो भाई, वरना इतना टाइम तो है नहीं क्या। वन ऑन वन एक एक घंटा सबको हम देंगे, हम भी सीख गए सलमान खान से कैसा एक मिनट बोल के चले जाते हैं। जान यहीं से पूछ लो ना यार, जानू यार कैमरा लगा दो ना हम बोल देंगे। अच्छा चलो इतनी खूबसूरत लड़की को मना नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए हम मना नहीं कर सकते। इनको देखिए आ जाओ, कौन बैठेगा एक्सक्लूसिव में, लोग तुम दोनों को नहीं लेंगे बेटा, ये बड़े कमीने लोग हैं। फिर तुम्हारा एजाज खान ने कहा दाऊद इब्राहिम सबको मिला कुछ ना कुछ। अबे यार तो ये एक इंटेंस टाइप का सॉन्ग है जो लिरिकली काफ़ी जिसमें एटीट्यूड है, पेशन है और कहीं ना कहीं भाईगिरी जो डॉन वाली स्टाइल है वो सब चीज़ें इसमें हैं और साउंड वाइज काफ़ी इंटेंस है। एक्चुअली में क्या भाई ने बहुत सारी तरीके का रोल किया है, ये भी जो हम लोग कुछ कर रहे हैं ये नया नहीं है, बट क्या कभी सिंगल नहीं किया था तो हमने सोचा कि ये सिंगल करते हैं, उनको मनाया। और ये इस टाइप का डार्क टाइप की थीम मुझे बहुत पसंद है, शुरू से ही मैं रामू जैसे लोगों का फैन रहा हूँ, तो मैं इसी टाइप की फिल्में भी बनाना चाहता हूँ, इसी टाइप के गाना भी बनाना चाहिए, इसी टाइप की मेरी शॉर्ट फिल्में भी रहती है। तो मैंने भाई को थोड़ा कन्विंस किया, मैंने कहा भाई भाई के लिए थोड़ा सा करो, तो बोले चल ठीक है मेरा एक गाना है मैंने ही लिखा हुआ है और यही प्लान करते हैं और यही करते हैं। तो मैंने इसको बोला आसिफ म्यूज़िक दे दूँ क्योंकि ये तो बहुत अलग टाइप का म्यूज़िक देता है। तो फिर ये हम लोगों ने प्लान किया प्रॉपर और फिर आज फाइनल पोजीशन है, आज गाना रिकॉर्ड हो रहा है, आज के दिन ही शूट करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। और एजाज भाई पर्सनली देखने जाए तो डेब्यूट भी कर रहे हैं एज अ सिंगर, हाँ। और ये गाना जॉनर पूरा डिफरेंट है, उनकी स्टाइल का ही है ये हम लोगों के लिए थोड़ी सी बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम वो डेब्यू कर रहे हैं और वो भी हम लोगों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा नए हैं और नए के हिसाब से कोई डेब्यू करता नहीं, हर कोई डेब्यू करना चाहता बड़े 30 मार्का के साथ। एजाज भाई का बहुत हम दोनों शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों के साथ वो डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन एक नॉन सिंगर को ट्रेन करना दूसरी हिसाब से लाइक बोल को उस लहजे में लेकर आना कितना मेहनत लगता है, कितना टास्क है? नहीं एक्चुअली है ना सिंगर वाला सॉन्ग नहीं है ये कहीं ना कहीं है ना एक्टर वाला सॉन्ग है। आपने आमिर खान का गाना सुना होगा ए क्या बोलती तू खंडाला वाला, शाहरुख खान का सुना होगा जो जोश फिल्म में गाना था एक, तो इस टाइप के एक्टर वाले संजय दत्त साहब ने भी गाया है काफ़ी ऐसे गाने, तो इस टाइप के गाने एक्टर ही गा सकते हैं जिसमें एक्सप्रेशन की डिमांड होती है ज़्यादातर, और स्केल इनका रेंज होता है नीचे का ही है, ऐसा नहीं कि वो सिंग बहुत हाई बीच पे है, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये एनर्जेटिक और एकदम इंटेंस टाइप का सॉन्ग है। ये हम लोग ऑलरेडी इसी स्टूडियो में थोड़ा शूट करेंगे, थोड़ा हमारे पास एक अपनी स्टूडियो है जो एजाज भाई की ऑफिस है, उस ऑफिस को कुछ हम लोगों ने एक डिज़ाइन किया प्रॉपर एक डिज़ाइन करके, देन वहाँ दोनों मिक्स अप करके हम लोग करेंगे इसको शूट करेंगे। और एक उनका एक स्टाइल होता है वो तो कहीं खड़े भी हो जाए तो एक उनकी अपनी स्टाइल भारी हो जाती है, उनके फॉलोअर देखने लगते हैं, तो क्या होता है एक वो एक ऐसे स्टार है जो हम सलमान शाहरुख से कंपेयर नहीं कर सकते लेकिन एक एक अलग लेवल के स्टार है, इनको किसी सलमान शाहरुख की ज़रूरत नहीं, अपने आप में एक स्टार है, इनकी अपनी एक ऑडियंस है और लोग इन्हें देखते हैं और हम एक पर्टिकुलर एक ऑडियंस के टारगेट करके जो इनकी एक ऑडियंस है उसके लिए हम लोगों ने बनाए, तो हमें बहुत ज़्यादा तो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, जो लाखों करोड़ों के गाने आते हैं उस टाइप का तो अपना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा बना रहे हैं, चोट दिल पर लगेगी बस इतना है। सॉन्ग के बारे में
आपके इंस्पिरेशन कौन है दोनों के? इसमें डायरेक्टर में, प्रोड्यूसर में, एक्टर में, किसमें? नहीं, आपके जैसे इंस्पिरेशन होता है, आपके आपकी जो लाइफ, आपकी जर्नी जो है, आपके अभी तक के सफर, तो सबके कोई ना कोई इंस्पिरेशन होते हैं। एक्चुअल में मैं, आप दोनों ही नए हैं इस ऐसे डायरेक्शन में भी, म्यूजिक डायरेक्टर। यस यस, आप दोनों के लिए कौन रोल मॉडल रहा है डायरेक्शन के लिए? डायरेक्शन में तो मैं शुरू से, मैं रामगोपाल वर्मा का फैन था, सत्यजीत रे का फैन था, के आसिफ का फैन था। खैर आसिफ को तो हमने पा लिया, बाकी रामू वगैरह को रखेंगे साथ में इंशाल्लाह। तो मैं उन लोगों से ज़्यादा सीखता हूँ, क्योंकि उन लोगों से थोड़ी मुझे एनर्जी आती है। जिस लेवल का मैं काम करना चाहता हूँ वही लोगों ने काम किया, तो मैं उसी लेवल का काम करता हूँ। और बाकी ज़्यादा मैं कुछ, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सीखा तो अपने माँ बाप। दूसरा, मैं समुंदर की लहरों से ज़्यादा सीखता हूँ। वहाँ जाता हूँ और वहाँ बैठता हूँ, जब मैं नाकाम हो जाता तो वहीं जाता हूँ समुंदर के पास, और वहाँ से नई एनर्जी के साथ, क्योंकि समुंदर की लहरें हमेशा किनारे साहिल को पाने के लिए बहुत बेताब होती हैं। तो मैं वहीं से सीखता हूँ ज़्यादा सारी चीज़ें, वहाँ समुंदर से सीखता हूँ और एक आइडिया आता है फिर एक नई तरीके से। और काफ़ी मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में किया है, मैंने काफ़ी साल तक मैंने प्रोडक्शन किया, उसके बाद फिर शॉर्ट फिल्मों में मैंने कदम रखा। फिर मैंने अभी है तुझे सलाम इंडिया करके उसका मैंने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर मैंने डायरेक्ट किया। ये मेरा सिंगल में मेरा चौथा सॉन्ग है। मैंने ऑलरेडी इससे पहले म्यूज़िक वीडियो किए हैं, लेकिन इस टाइप के म्यूज़िक वीडियो नहीं किए थे। इसका थोड़ा अपना एक अलग लेवल है, एक अलग एनर्जी है, मुझे काम करने में मज़ा आ रही है, क्योंकि मैं जितना चाहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा एजाज भाई देते हैं। तो एक ऐसा एक्टर के साथ काम करना ज़्यादा मज़ा आता है। आपके बारे में बात करें तो आपने किससे इंस्पायर होकर आपने म्यूजिक डायरेक्शन किया? आपको और स्पेशली हम जॉनर पे जानना चाहेंगे, आपको किस तरह के सॉन्ग रिकॉर्ड करना पसंद और कौन से ऐसे सिंगर को आप गवाना चाहेंगे अपने? मैं एक्चुअली ऐसे तो सारे जॉनर पसंद करता हूँ, और म्यूज़िकली इंस्पायर देखने जाए तो मैं रफ़ी साहब को सुनते आया हूँ पहले से, किशोर कुमार, रफ़ी साहब को ज़्यादा सुनते आया हूँ। ये लेकिन गलत जगह फंस गया हमारे साथ। एक्चुअली मैं रोमांटिक सॉन्ग और सैड रोमांटिक, ये गाने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ईजी है, आसानी से ऐसा लगता है कि ज़्यादा मेरे को वो रहता है। अभी ये पूरा अपोजिट था, ये एंट्रेंस टाइप का एक बोलते हैं ना, उस टाइप का गाना करना रामगोपाल वर्मा की फिल्मों में जैसा होता है, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी बहुत है मेरे लिए, एक डिफरेंट टाइप का सॉन्ग बनाना। तो बड़ा मज़ा है ऐसे चीज़ों का। तो म्यूज़िकली एक्चुअली मैं पर्सनली बैकग्राउंड टीवी शो मैंने काफ़ी किया है, मेरी जर्नी बैकग्राउंड स्कोर से हुई है। मैं बैकग्राउंड स्कोरर राजू सिंह, उनको असिस्ट करता था 4 साल, उनके पास मैंने काम किया है। उसके अलावा मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं एज ए सोलो। अभी मेरा कलर्स पे एक शो चलता है, सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसका बैकग्राउंड स्कोर मैं कर रहा हूँ। एक मेरा शो भी चल रहा है, और मेरे कुछ सिंगल्स जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुए हैं, और कुछ अपकमिंग आ भी रहे एक दो गाने, और ये एजाज भाई वाला गाना है, ये डिफरेंट है, पर बड़ा मज़ा है ये गाने में कि भाई है मेरा, ये एज ए डायरेक्टर इन्होंने काम किया, हम साथ में जुड़े इस तरह से, और एजाज भाई का अपना एक स्टाइल है, तो ये सारी चीज़ों में बड़ा मज़ा आया। आगे इन फ्यूचर आप एजाज के साथ कौन से ऐसे सॉन्ग लेके आ रहे हैं? आप दोनों का वेंचर एक्चुअली ये जर्नी में ना, एक मैं गाना एजाज भाई के बाद मैं छोड़ा था एक रोमांटिक सॉन्ग लेके, तो रोमांटिक सॉन्ग तो हाँ ये वो होल्ड पे है गाना, मतलब वो होगा, तो वो गाना एक वो अपने लिए लेवल पे वो बहुत बड़ा गाना है। तो नहीं वो गाना उनसे नहीं, वो गाना कहीं ना कहीं जो अपने बॉलीवुड के सिंगर है, टॉप सिंगर, वहाँ कहीं ना कोई कोशिश चल रही है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको गाना ये भेजे है हमने, वहाँ से वो गाना गवाएंगे, वो चल रही है कोशिश। हाँ एजाज भाई उसको लीड करेंगे, उनकी फिल्म का चल रहा है, तो शायद फिल्म में जाएगा वो गाना। फाइनली आपने दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, ये गाने को क्यों उतना प्यार दे और क्या है इस खासियत? ये गाना लिरिकली है ना, एजाज खान की पर्सनालिटी और जो उनका स्टाइल है वो काफ़ी मतलब एकदम क्लीन दिखता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात है इसमें, और काफ़ी इंटेंस है, और एकदम लिरिकली बहुत बेहरा है, और म्यूजिकली भी मज़ा आएगा, एकदम सुनने में अच्छा लगेगा, और कोई भी गुनगुना सकता है आसानी से। एक लफ्ज़ में एक बात, एक लफ्ज़ में ऐसी है कि आपको इसमें इस गाने में रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, हंसना नहीं, एक्शन बस एक्शन है, जो हम रियल लाइफ में सोचते हैं कि कुछ ऐसा हम करें उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। और खास करके जो यूथ है ना, यूथ को टारगेट करेंगे हम, यूथ के लिए ही बना रहे हैं, के लिए बना रहे हैं, हम कोई अपनी मम्मी पापा के लिए नहीं बना रहे, एक्चुअल में यूथ के लिए बना रहे हैं। तो यूथ से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, जब भी ये गाना आए इंशाल्लाह आप लोग देखिए और सराहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए हम लोगों को दोनों गाने। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।